नमस्कार मित्रों, 2022 में हनुमान जयंती कब है, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा कैसे करें, किस विधि से करें और हनुमान जयंती किस उपलक्ष में मनाई जाती है, हनुमान जयंती से संबंधित सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, हर वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्मदिन वर्ष में हमेशा चैत्र मास में मनाया जाता है और भारतवर्ष में हर जगह पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2022 में 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मदिन 16 अप्रैल 2022 को पूर्णिमा तिथि रात्रि 2:25 पर लग रही है और 17 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:24 तक रहेगी। उदय तिथि में पूर्णिमा होने के कारण 16 अप्रैल 2022 को वर्ष भर में हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाएगा। हनुमान जयंती पर जिन व्यक्तियों को व्रत रखना है वे सुबह उठें, जल्दी नहा धोकर ध्यान साधना करें, हनुमान जी का सुंदर प्यारा दरबार लगाएं, हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम जी का भी चित्र अवश्य ही लगाएं। हनुमान जी की पूजा में राम जी का होना बहुत ही अच्छा होता है और हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। राम नाम के बिना हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का जन्म इस दिन हुआ था। इनकी माता अंजना और पिता केसरी हैं। माता अंजना एक अप्सरा हैं। घोर तपस्या के बाद 12 वर्ष के बाद उन्होंने अपने पुत्र रूप में हनुमान जी को प्राप्त किया था। हनुमान जी ऐसे हैं जो बड़े बड़े पर्वतों को भी चुटकी भर में उठा लेते हैं। बचपन में सूर्य को फल समझकर उन्होंने अपने मुंह में रख लिया था और ये 8 सिद्धियों और 9 निधियों के ज्ञाता हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। हनुमान जी का प्रिय भोग लड्डू, चूरमा, केला जरूर इनके भोग में शामिल करना चाहिए। हनुमान जी के भोग में इस दिन बूंदी के लड्डू, चूरमा चढ़ाएं और साथ में फल में केले का फल हनुमान जी को सबसे प्रिय है, तो हनुमान जी को केले का भोग भी इस दिन अवश्य ही लगाएं। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और परेशानी है तो पान का बीड़ा भी इस दिन भगवान जी को अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। एक पान का पत्ता, उस पर 2 फूल वाली लौंग, 2 इलायची डालकर उस बीड़े को हनुमान जी को अर्पित करने से सभी तरह के कष्ट समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। साथ ही हनुमान जी के जितने भी नाम हैं उनका स्मरण करना चाहिए। हनुमान जी के सभी तरह के पूजा पाठ करनी चाहिए। इस दिन चमेली के तेल का दीपक यदि हनुमान जी के सामने लगाएं तो वह भी बहुत ही शुभ होता है। हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत प्रिय है। हनुमान जी को ऑरेंज रंग का सिंदूर इस दिन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। मित्रों, जिस हाथ में हनुमान जी ने पर्वत उठाया हुआ है उस हाथ की पैर, जिस तरफ उन्होंने पर्वत उठाया है उस पैर का सिंदूर लाकर आप घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं। इससे धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, वर्ष 2022 में 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जी का जन्मदिन है और इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत करें, पूजा पाठ करें, हनुमान जी के नाम का स्मरण करें और इस विधि विधान से पूजा करें तो हनुमान जी एक बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम जी का भी इस दिन जरूर ही नाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनके भी नामों का स्मरण करना चाहिए। रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद हनुमान जी की जयंती आती है, हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है।
तो मित्रों इस बार 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती है। हनुमान जी को रोट भी चढ़ाया जाता है, लंगोट भी चढ़ाया जाता है। आपके घर परिवार में जैसी परंपरा है उस विधि से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। भगवान जी तो भाव के भूखे हैं, सरल विधि से भी यदि आप पूजा करते हैं तो वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपको हनुमान जयंती के संबंध में यह सब जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए, और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान अवश्य लिखें। जय हनुमान दोस्तों।